आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पचकोया एमजी रोड मार्ग पर रेलवे पुल निर्माण कार्य के चलते काफी लंबे समय तक यातायात प्रभावित रहा, जिनका रूट शहर के मुख्य बाजार शाहगंज की ओर से किया गया था, जिसका बाजार पर सीधा असर देखने को मिला। बाजार में जाम के हालात देखे गए तो वहीं जाम को खुलवाने के लिए पुलिसकर्मियों को भी खासा मशक्कत करनी पड़ती थी। फिलहाल हालातों में सुधार देखने को मिल रहा है। पचकोया एमजी रोड पर रेलवे पुल के निर्माण के कारण शाहगंज बोदला लोहा मंडी क्षेत्र का यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया था, लेकिन पुल के निर्माण के बाद अब एक बार फिर ये रास्ता शहर की जनता के लिए खोल दिया गया है, जिससे न सिर्फ आम आदमी को राहत मिली, शाहगंज की तरफ से होने से जो जाम लगता था उससे भी कहीं ना कहीं बाजार को राहत मिली है। शाहगंज बाजार के व्यापारियों का मानना है कि पुल निर्माण कार्य कम्प्लीट होने के बाद यातायात बहाल होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। बाजारों में पहले की तुलना में अब जाम की समस्या काफी कम हुई है, साथ ही बाजार के दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों ने भी बड़ी राहत की सांस ली है। बाजार में स्थिति अब पता लगेगी साहब, अभी तो सवेरा हुआ, आज से ही खुला है और उम्मीद है कि ट्रैफिक कंट्रोल ही रहेगा, क्योंकि आज सवेरे से ही अब ट्रैफिक जैसे जाम हो जाता था मॉर्निंग में, वैसे जाम तो नहीं हो रहा है अभी तक। तो बाजार में क्या असर पड़ेगा? बाजार में कस्टमर का आने जाने का बड़ा आराम रहेगा, आराम से खरीद सकता है। जैसे वो हैब्जर्ड वे में जो होता था, कस्टमर जो है दिक्कत पैदा करता था कि मैं शाहगंज बाजार आऊं या नहीं आऊं, क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाता है। दो जो डिस्टेंस आधा किलोमीटर का 3 घंटे में पूरा कर रहा था, वो इसको विद इन 5 मिनट्स में पूरा हो जाएगा। पहले क्या दिक्कतें थी? पहले यही दिक्कत थी, ट्रैफिक का जो है, ट्रैफिक की वजह से दिक्कत होती थी, कस्टमर आने में कतराता था। शाहगंज चौराहे पर भी ट्रैफिक डाइवर्ट होने के चलते लोगों को जाम की हालातों का सामना करना पड़ता था। आए दिन यहां पर घंटों घंटों जाम लगा रहता था, जिसे खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को भी खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन अब जबकि पचकोया मार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया है, ट्रैफिक पुलिस को भी काफी राहत मिली है। शाहगंज की स्थिति पहले से काफी हद तक बिल्कुल सही है। काफ़ी हद तक जाम रहता था, जिससे कोई भी बंदा आने से पहले घबराता था, और उसके बाद बीमारी के चलते हुए इधर भीड़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब जो है बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है, सही है। सोशल डिस्टेंस का पालन भी होना चाहिए और वो भी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उसी के हिसाब से बहुत बढ़िया है ये। उस समय तो खैर देखिए ऐसा है कि शायद 2 दिन के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया था, भीड़ यहाँ कम लगने वाली थी, लेकिन फिर भी दिवाली के हिसाब से वो रिस्पॉन्स नहीं हुआ, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि भीड़ में क्या जाएं, क्या परचेजिंग करें, इधर से रश उधर से रश, तो हर कोई ये चाहता है कि भाई आसपास से कहीं से मिल जावे, वो ज़्यादा बढ़िया है। वहीं शाहगंज बाजार के अध्यक्ष व अन्य व्यापारियों का कहना है कि पचकोया मार्ग को अगर दिवाली से पहले लोगों के लिए खोल दिया गया होता तो निश्चित ही बाजार में दिवाली की रौनक अलग होती। बड़ी संख्या में लोग जाम के चलते शॉपिंग करने के लिए बाजारों में नहीं आए, जिसका असर दुकानदारों पर साफ देखने को मिला। हम इस समय मौजूद है शाहगंज बाजार में, जहाँ आप हालात देख सकते हैं और दिन की तुलना में काफ़ी सुधरे हुए हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से वो तस्वीरें दिखाएं कि जो रोड पूरी तरह भरा रहता था वाहनों से, भीड़ से, आज वो रोड पूरी तरह खाली, लगभग लगभग खाली नज़र आ रहा है। तो वहीं चौराहे के भी हालात थोड़े सुधरे हुए लग रहे हैं और जो यातायात है वो पूरी तरह बहाल दिख रहा है कि हाँ, सामान्य रूप से यातायात चल रहा है और कहीं भी कोई भी जाम की जो किल्लत थी वो नज़र फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। चूँकि अब पचकोया वाला पुल शुरू कर दिया गया है तो काफ़ी वाहन वहाँ से गुजर रहे हैं, ऐसे में जो बाजार के जो का रुख करने वाले लोग हैं केवल वही बाजार में आ रहे हैं, बाकी जो मुख्य वाहन है वो फिर से पचकोया वाला जो एमजी रोड वाला जो मार्ग है उससे उसको लगातार वाहन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ से जो आवागमन है वो पूरी तरह बहाल हो चुका है। इस समय हमारे साथ मौजूद है ट्रैफिक हेड कॉन्स्टेबल, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ सुधार हुआ है बाजार में। सर आपको परिचय दूंगा। मैं हेडक्वार्टर में जनपद ट्रैफिक पुलिस। हाँ, बात करें और दिन की तुलना में किस तरह के हालात नजर? हाँ, आज बेटर है, आज थोड़ा हल्का वाहन चल, वाहन भी थोड़ा कम है और उधर खुल गया है, उससे संबंध थोड़ा हल्का इधर आया, उससे थोड़ा फर्क पड़ा है वाहनों का, काफ़ी लोड कम हो गया है। क्या कुछ स्थिति आज की अगर बात करें? आज स्थिति काफ़ी कम वाहन इधर आ रहा है, बाकी उधर डाइवर्ट हो रहा है, जो वाहन उधर जाने वाला था उधर कम आ रहा है, उधर जो वाहन इधर जाने वाला सागंज वाला वही आ रहा खाली। देखने में आया काफ़ी लोग अभी भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ? कठिन हेलमेट का कार्रवाई की जा रही है और का चलान पदस्थ चलान किए जा रहे हैं उनके।
तो ये थे हेड कांस्टेबल जिन्होंने बताया कि अब और दिन की तुलना में यहाँ पे काफ़ी सुधार देखने को मिला है, यातायात पूरी तरह बहाल है और बाज़ारों में भी भीड़ कम ही देखने को मिल रही है। चूँकि रूट डाइवर्ट किया गया था तो भीड़ ना चाहकर भी उनको इस रोड से गुजरना पड़ रहा था, जिस कारण यहाँ पे जाम के हालात थे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।